भाई एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, है ना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जहां से भी देख रहे हैं वहां तालियां बजाएं। आपके घर वाले ये बोलने चाहिए कि बच्चा पागल हो गया क्या, क्यों अकेले में ताली बजा रहा है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जहां से भी देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे जो शख्स नजर आ रहा है गौर से देखिए इसको। ये ब्रजेश है, बाकी अब मैं ज्यादा इनके बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए अपने एक्सपीरियंस का। बस मैं एक बात बोलूंगा कि मुझे आज भी याद है कि जब इसका कॉल आया था इंक्वायरी के लिए, क्योंकि 70 वाला नंबर मेरे पास ही होता है, अब पहला नंबर 70 ही है, तो जो भी बच्चा इंक्वायरी करता है मोस्टली वो मेरे पास ही कॉल आता है। मुझे आज भी अच्छे से ध्यान है कि मैं कोचिंग से घर जा रहा था लगभग 8 साढ़े 8 बजे रात को, और रास्ते में कॉल आया था इंक्वायरी का और नाम बताया गया ब्रजेश कि सर मैं मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ और पिछले 5 साल से मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। और मैं उस टाइम मैं जनरली क्या करता हूँ, बाइक पे लीड लगा के रहता हूँ तो मैं फोन उठा के आंसर कर देता हूँ, हाँ 15 मिनट बाद कॉल करेंगे। लेकिन जब ये बात बोली गई कि सर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैंने अपनी बाइक रोकी, साइड में लगाई और लगभग 20 से 25 मिनट का कन्वर्सेशन चला, और उसके बाद ब्रजेश पूरी तरीके से कन्विंस था कि लाइफ में अब करना क्या है। इन्होंने अकाउंट ज्वाइन करा और फिर उसके बाद की कहानी को अभी बताया। हेलो, क्या हो गया? तो सर ने जैसे बताया था प्राइवेट जॉब कर रहे थे क्योंकि बीएससी करने का, तो भी नर्सिंग का कोर्स करने का थोड़ा पीयर प्रेशर ही होता है फ्रेंड्स में कि जॉब किसकी पहले लगेगी। प्राइवेट में तो जैसे करता है ना, तो मेनली ये रहता है कि फोर्थ ईयर आते आते या फिर जीएनएम कर, या जीएनएम के बाद करते करते प्राइवेट जॉब में कौन घुस जाएगा, या जैसे बहुत से बंदे ज्वाइन कर लेते हैं लास्ट ईयर में इंटर्नशिप में, तो लगता है कि हाँ भैया इसकी तो लगेगी, हम क्या करेंगे। तो उसी पीयर प्रेशर में हमने भी सोचा भी ठीक है प्राइवेट कर लेते, प्राइवेट कर ली बट एक लिमिट होती है ना हर चीज की, उससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते, वही पेशेंट केयर करना है वही करना है, वो एक्चुअली कॉर्पोरेट सेक्टर के हिसाब से आपसे बस काम लेंगे, उनको मतलब नहीं आप क्या सपने हैं, आपसे क्या मतलब है, उनको बस काम चाहिए ना ही, उनकी वो कभी जॉब लगी होती गवर्नमेंट ना ही आपको कभी मोटिवेट करेंगे। ये प्राइवेट सेक्टर की बात बताओ, ठीक है। तो थक हार के तो मैं एजुकेशन में था, पर वही डेली रूटीन में सुबह आना, वो भी ग्रेटर नोएडा डेली 45 किलोमीटर बाइक चलाना, 2 घंटे का ट्रेवल जाना, 2 घंटे का आना, 8 घंटे की नौकरी, 10-12 घंटे बाहर ही रहना, और आके भी सोने सोने के लिए घर पर आता था। 1-1.5 साल और हो गया ऐसे करते करते नर्सिंग, बेड साइड नर्सिंग के बाद 1.5 साल हो गया। मैंने यार अब कब तक करूंगा ऐसा, अब क्या करना है इसके, ये तो सीख लिया मैंने, अब क्या इसमें कुछ भी नहीं है, पीपीटी करनी है, इधर ना उधर प्रेजेंटेशन देनी, दे देंगे बोलना है बोल देंगे, क्या कुछ क्या कुछ और भी तो हो, और सैलरी इतनी हैवी नहीं भाई, क्या करें मैं तो लाइफ टाइम भाई लास्ट में इतने इसकी सैलरी में कुछ नहीं कर सकता, कुछ और करना है। तो फिर मैंने ऐसे नेट पे डाला था, तो सर को जैसे ढूंढा था नंबर 1 कोचिंग सेंटर, तो आईफोन नहीं आया था, तो मैंने नंबर वहां से लिया, तो सर को जैसे जैसे कॉल किया, तो उस दिन बड़ा परेशान था भाई क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या करूँ कैसे करूँ, कुछ पता नहीं जॉब छोड़ के भी कहाँ जाऊँगा मैं, क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब लगती किसी वजह से, तो सर से जैसे बात हुई कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से सर ने बताया था यार मिलना पड़ेगा सर, ऐसा बोला हाँ लग जाएगी गवर्नमेंट जॉब, हाँ जॉब छोड़नी पड़ेगी, मैं अरे इनसे कैसे बोल सकता है बंदा, ये मैं तो जाके मिलूंगा एक बार, ठीक है चलो काम धाम बंद करो घर जाओ, अगले दिन छुट्टी, मैं नहीं आ रहा, मेरा बीमार हूँ, जो भी बहाना बनाया सर से मैं मिलके आया सर ऐसे, तो फटाफट से रिजाइन दिया, 2-3 घंटे दे दिया, रिजाइन हो गया सर। तो फिर यहाँ पर आ गया मैं, यहाँ पर क्लास में फिर जैसे मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ ऐसे भी सब कुछ टाइम भी आते थे, तो मैं सोचता था फोन बैठे भगवान ये बंदे कौन है, ये इंसान कौन है, सरकारी नौकरी लगी है सामने खड़ा होकर बोल रहा है यार, मैं तो अभी होता हूँ यहाँ पर पानी पड़ेगी तो भगवान थोड़ी थोड़ी आती थी। तो फिर पढ़ते गए, जैसे सर ने बताया सिर्फ वैसे ही करा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया अपना दिमाग, क्योंकि 5 साल से जितना दिमाग लगाने कुछ हुआ ना गया ना हुआ। अब इन्हीं की सुन लो, इन सर ने, उपेंद्र सर ने, अनिल सर ने कुछ कराया लाइफ में, तो इनका एक्सपीरियंस मुझे अगर कामयाब कर देता तो मैं तो इनकी सुनूंगा, मैं ठीक है इनके घर वालों से हाथ जोड़ दिए, मुझे डिस्टर्ब मत करना 1 साल के लिए, मैं जाऊँ किसी और की बात सुनूँ। तो सर ने जैसे जैसे बात करी, उपेंद्र सर ने कही ऐसे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, 8 से 9 एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो 8 से 9 एग्जाम का वो मोटिवेशन की अभी इतने ऑप्शन हो रहे हैं, चलो एक एग्जाम नहीं हुआ तो दूसरा पेपर हो रहा है, सर ने बोला 8 से 9 एग्जाम होंगे फिर सिलेक्शन होगा, चलो ठीक है। जब जब एग्जाम दे के आता था सिलेक्शन नहीं होता था,
चलो शुरू से शुरू करते हैं। जैसे पेड़ होता है ना, पौधा, जैसे पौधा का बीज होता है, पीछे से पौधा निकलता है फिर पेड़ बनता है। तो ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि आपकी नॉलेज भी वैसी होगी, जब पढ़ रहे हो ना तो आपको जीरो कर लो। आप ये मत सोचो कि मुझे बहुत कुछ आता है, आते हुए भी सोच लो मुझे कुछ नहीं आता, बट जब स्टार्टिंग करो ना पढ़ाई की तो जीरो से करो। धीरे 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 वो पौधा कब पेड़ और कब वो फल और फ्रूट देना स्टार्ट कर लेगा ना, वो आपको भी नहीं पता होगा। तो ऐसा ही मैंने सोचा, चलो कोई नहीं। तो क्लास में टेस्ट होते थे टॉप 15, तो उसमें मेरा नाम कभी नहीं आया, बट मुझे अपने पे विश्वास था कि जैसे सर बोले वैसे करना है। और इस छोटी ट्रॉफी से नहीं, बड़ी ट्रॉफी से ही होगा क्लास में, और सिलेक्शन लिस्ट इसमें नहीं होगी मेरी, उसमें वो नाम होगा। इसमें तो अच्छा ये नहीं हो पाया, चलो कोई नहीं इसमें और पढ़ेंगे, ऐसे कर करके कर करके धीरे 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 पढ़ते गए कोचिंग खत्म हुई 4 महीने, फिर और आगे बढ़ने के लिए कोचिंग एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, वहां पर पढ़ते गए पढ़ते गए, सुबह जाता था फिर रात को 8 घंटे जाता था इतने। तो वही स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, सब चीज बारीकी से पढ़ना, बेसिक चीजें, फिर कुछ अपने इम्प्रूवमेंट, क्योंकि 20 से 25 एग्जाम ले लेंगे मैं, किसी में सिलेक्शन नहीं था, 200 में से 20 से 18 नंबर आते थे याद है। फिर जब एग्जाम देना स्टार्ट किया, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट किया, 96 पे आ गया मैं, 50% के उस पर आ गया, चलो ठीक है सही जा रहा है। तो सर से मिला, फिर उपेंद्र सर से, तो जब तक कि हम रिकॉग्नाइज नहीं थे, तो सर ने बताया कि अरे तुम्हारा सिलेक्शन तो हो जाएगा, अरे हो जाएगा। मैंने ऐसे कैसे बोला, फिर तुम्हारा से आ रहे थी, जब भी बोला था हो जाएगा, अब भी बोल रहा है हो जाएगा, कब होगा सिलेक्शन। मैं चलो ठीक है 2-4 नंबर की और देगा तो 5-6 नंबर हो, करता है मेहनत, फिर जो 5-6 नंबर की मेहनत है ना, फिर आपके ऊपर डिपेंड है, कोचिंग खत्म हो जाएगी, फिर आपकी जो कंटिन्यूटी और ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन जो आपकी आप चाहते हो ना लाइफ में कि मुझे वो भी चाहिए, और आप जो उस चीज को अचीव करने के लिए करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सर ने तो राह दिखा दी है, बट आपको करना पड़ेगा, नोट्स आ रहे हैं, सब चीजें पढ़ना, पढ़ पढ़ के भाई एग्जाम दिए। जब एक टाइम ऐसा आ गया, मुझे मतलब लगने लगा कि हाँ अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, अब मेरा लाइफ का जो भी एग्जाम होगा ना, मेरा आखिरी एग्जाम होगा। 2019 में बहुत सारे एग्जाम थे, हर महीने दो दो तीन तीन दो एग्जाम तो होते थे, एक एंड ऑफ द मंथ एक लास्ट ऑफ द मंथ, मतलब स्टार्टिंग और एंड। तो सारे एग्जाम दिए, रिजल्ट तो सबके इकट्ठे आए थे बाद में। तो पहला एग्जाम दिया CHO 37 में, और उसमें मजा पास वाला वो मिल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वहां पे मैं जाके पूछ के आया यार मुझे नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, वेट करते हैं अभी तो रिजल्ट आना रहता है। दिल्ली एम्स का गया, इसका रिजल्ट नहीं आता, निमान का गया, उसका रिजल्ट नहीं आता, फिर इन बिटवीन निमान का रिजल्ट आया 4x25 से रह गया मैं। 21 मेरे था 21 नंबर, 19 पे कट ऑफ बंद, मैंने यार फिर से यार कितना पढ़ू, 0.25 कितना होता है, बहुत नहीं मैंने उठा, बट 0.25 से रह जाऊँ, मेरा बड़ा दिमाग खराब। मैंने चलो कोई नहीं फिर पढ़ते हैं, फिर कर करके कर करके मुझे याद है 39 का पेपर देने गया था, उस दिन बारिश पड़ रही थी, बारिश के टाइम बाहर आए तो सब बोल रहे थे बहुत कट ऑफ आई गई है, इसमें तो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ था, तो हमारे उसमें थे पुलिस आ रहे थे कोचिंग से, एग्जाम में सेंटर से बाहर, तो यार किसका हुआ होगा, मैंने डर के मारे अपना चेक ही नहीं करा, मैं इनके होशियार होगा नहीं हूँ, मेरे घर मैंने चेक ही नहीं किया। वो वहां पर रेस्ट रूम था, और सट्टे पे मैं रेस्ट रूम में ले लिया, भाई तुम जाओ मैं थोड़ा सा ना शाम को रेस्ट करके एक गांव के, मैं सबने पेपर चेक कर लिए, सब किसी का नहीं था, मैंने चेक ही नहीं किया डर के मारे, मैं नहीं करता चेक, छोड़ इनका नहीं वहां नहीं करनी हो, मेरा घास आ गया, मैं तो होशियार हूँ एवरेज था। तो सोते सोते मैंने सोचा यार दो लिस्ट आई है, चलो एक देख लिया, खोला 4 बजे की बात थी, उसमें 6531 46 के नंबर था, याद भी आ रहा, तो देखा मेरा नंबर है क्या, मैं उठ के बैठ गया, मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं जो और भी बंदे थे ना, मैंने बोला भाई भाई ये नंबर बोलना मेरा नंबर है क्या, तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, मगर बोल तेज तेज बोल, मैं चाटे वाटे मारते मुझे नहीं पता। तो उसने बोला, उसने क्रॉस मैच करा, मैं भी क्रॉस मैच कर रहा था, जब सिलेक्शन हुआ मैं तुम्हें मेरे आंखों में आंसू बैठा हुआ था उस टाइम उन दिनों पे, तो उस टाइम ना आज भी याद है कि नहीं भूल सकता उस टाइम, फिर इतनी खुशी करूँ क्या इसको, पता कैसे स्टार्टिंग करूँ, घर पे फोन किया पापा जी, पापा फोन मिलता है मम्मी को फोन किया, फोन उठाया चाचा को फोन किया, उन्होंने फोन उठाया, मैंने किसको बताऊं यार, मैं चलो सर को बताता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में से लगती सर भी बताता, तो उपेंद्र सर के पास फोन किया था, फिर सर ने बात की थी, सर भी बड़ा वेट करे यार, इतना टाइम लगवा दिया सिलेक्शन, इतना वेट करे, तो उस टाइम जो खुशी थी ना बस क्या बताएं, वो बयान नहीं किया जा सकता, फर्स्ट सिलेक्शन। उसके बाद फिर सारे रिजल्ट आए, तो दिल्ली एम्स, मंगलागिरी एम्स, निमहांस, CHO, BHU, रायपुर एम्स, बठिंडा एम्स, इन सब में मेरा सिलेक्शन हो चुका।
तो चार पांच ओपन लेटर आए थे घर पे, तो पापा ने ये बोला था कि कहा ज्वाइन कैसे करेंगे, मतलब ऐसा था। तो उस टाइम चार ओपन लेटर थे, मैंने कहा उसमें जब उन्होंने थोड़ा सा विश्वास नहीं था, बट जब सिलेक्शन हुआ तो बड़ा विश्वास नहीं था। तो चार ओपन लेटर थे, तो उसमें से दिल्ली एग्जाम किया, तो आर्मी चूज कर लिया, तो आर्मी ज्वाइन किया, तो वालों पर विश्वास नहीं, मेहनत नाम की तो सीधे। तो आज फिर मैं वहां पर चुप कर रहा हूँ, फील्ड कार्डियोलॉजी आईसीयू में था, इंटर्नशिप डिपार्टमेंट, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करा। फिर उसके बाद प्रोबेशन कम्प्लीट हुआ, फिर ऐसा होता है कि मिनिस्ट्रीज की जॉब मिल जाती है, मिनिस्ट्रीज में हर मिनिस्ट्री में पैरामेडिक स्टाफ होता है, मेडिकल में होता है, जैसे होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर साहब, वाइस प्रेसिडेंट, एक्सपीरियंस, तो उसमें स्टाफ सारा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आता है, इंक्रीमेंट आते हैं निर्माण होने से, नीति आयोग से बोलते हैं, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुंचती है मिनिस्ट्री से कि हमको पैरामेडिक स्टाफ चाहिए, तो निर्माण भवन भेजता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में कि हमको ज्यादा स्टाफ चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ से रेफरेंस जाता है हॉस्पिटल का कि ये स्टाफ तुम्हारा, ये स्टाफ मतलब ले लो, रेफरेंसेज मीन्स आपका ओवरऑल क्राइटेरिया आपको जज करता है, आप हॉस्पिटल में ज्वाइन करोगे आपको अनकॉन्शियस माइंड से कोई ना कोई जज कर रहा हूँ बंदा कैसा, ए एन एस बड़े बड़े आपके पत्थर है, आपको देखेंगे बंदा किस तरह का है, ओवरऑल किस तरह के रिप्रेजेंट करता है, अपना आपको किस तरह से बात करता है, किस तरह से बोलता है, वो भी मायने रखता है, ये रखता है, यानी कि जॉब लग गई तो पागल हो गए, तो अपने आप को थोड़ा डाइवर मेंटेन करके रखना, नर्सिंग डिपार्टमेंट को नर्सिंग जो प्रोफेशन है उसको आगे लेके जाना, तो आपके ऊपर डिपेंड है, सेल्फ एस्टीम मेंटेन करके रखना है, तो वो सब चीज ओवरऑल क्राइटेरिया ना फुलफिल कर लोगे ना, तो आप अलग से नजरों में आओगे कि हाँ बंदा ठीक है, तो रेफरेंस आपका अपना आप चला जाएगा कि इस बंदे को भेजो, बट आपसे नाम हम वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन सब चीज हो गई, तो फिर मेरे पास एक निश्चित लेटर आ गया था कि आपको डेपुटेशन वहाँ भेज देंगे, तो फिर मैंने वहाँ पर जॉइन किया, वहाँ पर तो भाई यहाँ के चकाचौंध क्या देख लिया मैंने, मैं गांधी पहले अच्छे कदम करूँगा लाइफ में, तो यहाँ पर आ गया, तो वहाँ पर है एक्सपीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हैं, पर्सनल स्टाफ रहते हैं वहाँ पर, वो जाएंगे उनके साथ मिल जाएंगे, पैरामेडिक स्टाफ होता है, कभी देखा हो ब्लैक कलर की एम्बुलेंस देखी हो कभी परेड में निकलती है, पूरी रेड लाइट गाड़ियां आगे आगे पीछे पीछे, एक मर्सिडीज की बहुत बड़ी एम्बुलेंस होती है पीछे ब्लैक कलर की, उसके अंदर ठीक है, तो ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं होटल को वहीं पर फिक्स रहते हैं, तो एक्सपोजर बहुत ही कम है, किसी को पता नहीं होता क्या होता है, ऐसा होता भी या नहीं होता, तो अपने आप से देखा अच्छा होता है, अच्छा ऐसा होता है, वी वी आई पी कैटेगरीज में आ जाते हो आप, मूवमेंट आपकी अलग ही होगी, ट्रैफिक रोक दिया जाएगा आपके लिए जब साथ जाओगे, तो स्पेशल आपके लिए कोई रोकना वो जो टीम होता है, और जब एक प्राइम मिनिस्टर को आप अपनी आंखों से आप इवन हाथ पकड़ के चला रहे हो, बैठा रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, वो भी अपने आप में ना बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन देती है, यार आज हम इन बंदे के साथ है, क्योंकि पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर्स उनकी केयर करने आते हैं, जिनको राष्ट्रपति या बोर्ड मिल चुका होता है, एम्स के डॉक्टर्स बड़े बड़े जो उनको रेफरेंस देखना था पर्सनली वहाँ पर आएंगे देखेंगे, तो इवन वो लोग आ सकते तो हमसे आई एस आई पी एस बहुत लोग मिलने आते हैं, तो भी वो सब एक्सपोजर लाइफ में वो अलग ही है, तो भी हमें पोस्टेड एक्सपीरियंस पैरामेडिक, अपने पे विश्वास करना, अपना खुद भी आप मोटिवेट करो, अपने भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंस ही तो नहीं है, ठीक है, तो नामुमकिन कुछ नहीं है, सब कुछ कर सकते, सब कुछ छोटा सा इंतजाम और भी कर लूंगा आपसे, बट कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी ये ध्यान रखो लाइफ में, जाने के बाद भी जब कोचिंग खत्म होता है बस इस कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, बस अगर चार घंटे देने हैं मुझे दिन में तो देने हैं, चाहे कुछ भी, चाहे आपके दो बजे उठ के सुबह के पांच बजे दूं, चाहे कैसे भी दूं, मेरा तो गोल था कि देने ही देने, डर के मारे रात को आप नहीं जाती थी दो दो बजे तीन तीन बजे कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो इस नेगेटिव थॉट को निकालने के लिए पढ़ने बैठ जाता था, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज थी यार, नेगेटिविटी से तुम दूर रहो हर तरीके से, तुम नेगेटिव थॉट को निकाले कुछ भी करो, बट नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव ही होगा, पढ़ा फिर रात को पढ़ते थे उठ के अपना गोल ओरिएंटेशन हो गया, आज का चार गोल थे चार अचीव करके चार अचीव करे, गोल ओरिएंटेशन जरूरी है, प्लान बना के पढ़ना,
कल मुझे क्या करना है, चार चीजें सोने से पहले लिख के, दो चीजें तीन चीजें मैं गोल ऐसे बनाओ जो अचीव कर सको, कर सको इजी से स्टार्ट करना फिर हार्ड पे जाना। सबने बताया जैसे दो चीजें करने, इवन जैसे नोट्स करने हैं मुझे पहले ओबीसी के, और 300 क्वेश्चन करने हैं और 40 क्वेश्चन करने हैं मुझे एनकेट्स के, ये मेरे कल का गोल है। तो सोने से पहले तीन चीज लिखनी है बस, ये तीन चीज है, तीन लाइन का कंप्लीट करने की, जब तुम अचीव कर लोगे तीन चीजें तो कल आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि मैंने आज का काम कर लिया है। तो ऐसे ऐसे कर रहा, तो छोटी छोटी चीजें जैसे एक रजिस्टर रख लेना अपने पास, कुछ भी ऐसे वर्ड अगर कहीं आप सुनते हो कहीं भी आप पढ़ते हो उस पर लिख लो, सोने से पहले उनको ढूंढ के सर्च करके कैसा भी, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, उसको लिख के क्लियर करके सो जाओ मुझे इस रजिस्टर में लिखना है, और 1 2 3 4 बना के लिखना। 1 मंथ में आपके पास 300-400 ऐसे वर्ड हो जाएंगे, ऐसे टर्म्स हो जाएंगे और बहुत सारी चीज हो जाएंगी, आपके कंटेंट इतना सारा हो जाएगा। मीन्स मेरे पास लास्ट में आगे थे रजिस्टर था, मैं उसको पढ़ता था बस लास्ट में नोट्स, और उसी में से सारा पेपर आता था। ये भी अपनी जर्नी बताएंगे आपको, और ये सीनियर ही है, सेम कॉलेज से है, सेम बैच में, मतलब बाय शांति हम गए थे, साथ में बातचीत हुई, साथ में बैठे, ग्रुप बना हमारा टीम पढ़ते के साथ में, एक ही मोटिव सेशन देना है। और जैसे सर ने कहा कि एवरेज स्टूडेंट थे, सर तो एवरेज थे, मैं ग्रो एवरेज थी। तो मैं बट ये था, ये तो अपनी मेहनत से हर बार में बहुत भरोसा था, और ऐसी क्लास में आते थे बच्चे अंदर मोटिवेट करने के लिए, तो वो भी बताते थे कि ऐसे उपेन्द्र सर ने और रोहित सर ने जो हमें बताया था, मतलब उससे हम इतने मोटिवेट हो गए थे कि हमें बस कुछ नहीं लिखा था कि हमें सिर्फ पढ़ना है। तो हमने 6 महीना इसी तरीके से लाइब्रेरी में थे, हम इसी लाइब्रेरी में पढ़ते थे, पहले लाइब्रेरी थी मिलकर पढ़ते थे। तो जैसे धीरे धीरे 8 से 9 महीना हुए थे, तो 10 महीने में शायद सरकार सिलेक्शन सरकार सरकार में बड़ी लाइट्स में पढ़ाई दिए। फिर मैं सबसे कहता सर मेरा तो भाई हो जाएगा, ऐसी कोई बुक नहीं थी मैंने जो मतलब बाय हार्ड हो गई थी मेरे को, एनक्लेट मूर्ति टी आर यादव टारगेट आई, मतलब इतना पढ़ता था इतना अच्छे तरीके से, मतलब सर के उसमें भी गाइडेंस में। तो मेरा जो फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था मेरा हुआ था BHU पेपर, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, बट मेरे मार्क्स इतने थे कि हर कोई मेरे से कहता था कि तेरा हो जाएगा, टेंशन मत ले मत। बट जब तक नहीं होता है तब तक कहीं ना कहीं माइंड में ऐसा रहता है कि यार क्या पता डॉक्यूमेंट्स में पीछे हो जाऊँ, क्या पता किसने एग्जाम ऐसे करके, मतलब लेटर चाहिए उस तरीके से। तो घर वाले भी कहते थे कि भाई कब होगा इस तरीके से, बट फोर्स नहीं किया घर वालों ने, मैंने कहा कब होगा, तो फिर धीरे धीरे DSLP का रिजल्ट आया, उसमें भी हो गया मेरा, फिर उसकी भी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हो गई। अब 2 पेपर मेरे क्लियर हो गए, दोनों मेरे की ज्वाइनिंग, तो घर वाले कह रहे हैं 2 पेपर तेरे क्लियर हो गए, कैसे करेगा। फिर उसके बाद ही मैंने एग्जाम दिया GMC चंडीगढ़, मेरा फाइनली GMC चंडीगढ़ में हो गया, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। फिर वहाँ ज्वाइन करते करते 6-7 महीने हुए, 8 महीने हुए, वहाँ से फिर BHU का मेरा रिजल्ट आया, फिर मैंने BHU ज्वाइन किया, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट था, थोड़ा ठीक ठाक पे था, अच्छा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा DSLP फाइनल रिजल्ट आ गया, फिर मैंने दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ, तो फिर मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया BHU ज्वाइन किया। तब जॉब लगने के लिए पैसे देते हैं, मैंने BHU का बोन 5 लाख रुपये का जॉब छोड़ने के लिए दिया, तो वहाँ से फिर मैं दिल्ली आ गया। फिर DSLP ज्वाइन करने के बाद मेरा यहाँ पे जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसका रिजल्ट आया तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया। जो रिश्तेदार वो सोचते ये पागल बना रहा है, इसका कहीं ये यहाँ वहाँ से ट्रांसफर ले रहा है, ये ऐसे करे, बट उनको खैर इतना पता नहीं है कि किस तरीके से क्या होता है गवर्नमेंट सेटअप में। इवन मैं बताता था कि अपने रिश्तेदारों में कि मैंने 5 लाख रुपये BHU में, तो वो सोचते थे इन्होंने पैसे मतलब देख के लगवाया है, कह रहे कि कोई पैसे देके थोड़ी ना ऐसे करता है, ये
तो ये जर्नी थी मेरी। और बाकी पढ़ने में मैं बिल्कुल ऐसा था कि जितनी संतोष मेडिकल कॉलेज से हैं आप समझ सकते हो कितना अच्छा कॉलेज है। तो बाकी बट यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना कौन का, वो मेरी लाइफ का लाइफ चेंजिंग एनवायरनमेंट है। कि मैं ये सोच लिया था, मैंने उपेंद्र सर रोहित सर को मैंने अपना एक तरीके से गुरु मान लिया था कि सर जो कहेंगे ना वही मैं करूँगा। कुछ एक फनी बात थी, उपेंद्र सर ने व्यक्ति कहा कि बेटा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते रहना, अगर ऐसे करते रहोगे करते रहोगे, अगर तुमने 3 से 4 महीने में फोन के सब आने लग जाए तो समझना तो सेक्शन हो गया, 3 महीने में मेरा तबला है। अरे मुझे भाई ने बताया भाई ऐसे तेरा सपना आया फोन का, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ तो सर आके मेरे को बुला रहे हैं, मेरे शाबाश दे रहे हैं, सर को बता दे प्रिंसिपल को बुलाया 5 दिन हो गया भाई पार्टी। हम लाइव में से टाइम निकाल के आराम से भाग गए, थोड़े बहुत ऐसे इंजॉय किया पार्टी वार्टी, करने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं वो चीज होने लगती है। सेम मेरे साथ वही चीज थी। तो जब मेरे जैसे बच्चे के 4 सिलेक्शन हो सकते हैं तो मैं सोचता हूँ आप तो काफी जल्दी आ गए हो इस जगह में, तो आप बहुत लकी ली हो। तो मैं तो 2016 का पास आउट हूँ, मैंने 2019 में कोचिंग कर लिया, तो 4 साल का मेरा गैप वो स्ट्रगल वाला था जब सर का था कि प्राइवेट में जॉब करना खुलना 12,000 रुपये की नौकरी करना और उसके अंदर ऐसा कि 10-10 नाइट करना, तो ये सब चीजें थी। तो सर ने ये सपने दिखाए थे कि 70,000 के मालिक रहोगे तुम, तो मुझे भाई हम कह देंगे यार के मालिक लिखते हैं हम। तो भाई कहते हैं भाई जब अपनी भी होगी हो जाएगा, तो वही चीज थी। हमारे साथ सारे के सारे लड़के लग गए, जितने भी थे कोई भी ऐसा नहीं था सिंगल सिलेक्शन वाला, सबके 4-4, 5-5 सिलेक्शन। हाँ ये क्लास के मालिक है, वैसे बेटे भी आए BHU को 5 लाख रुपए। थैंक्स टू सर एंड। तो बच्चों आप लोगों ने सुना, देखो दोनों बच्चे मतलब बिलो एवरेज, मैं जानता हूँ बिलो एवरेज ही थे, और मतलब 4-4, 5-5 साल का गैप। आप सोच सकते हो कि आपने BSc नर्सिंग कर लिया और 4 साल के गैप के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में किसी ना किसी स्थान पे तो पहुंच ही जाते हो ना 4 साल में, भाई 10,000-12,000 से शुरू करके 25-30 तक तो पहुंच ही जाते हो, और वो 30-35 हजार को छोड़कर और वापिस से जीरो से शुरुआत करना बहुत टफ होता है। बच्चों सुनने में बहुत इजी लगता है कि भाई 5 साल प्राइवेट जॉब करी और उसके बाद सब कुछ छोड़ के अचानक आप कोचिंग करने आ जाओ, हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जो डिसीजन ले लेता है ना उस समय पे ये वाला, वही पता चल जाता है हमें कि इसका सिलेक्शन होगा। जैसे ब्रजेश बोल रहा था ना कि यार हम कुछ भी नहीं कर रहे, नंबर भी नहीं आ रहे, फिर भी ये मास्टर क्यों कहे जा रहे हैं कि सिलेक्शन होगा, हमें ये पता चल गया ना कि ये 5 साल की जो नौकरी छोड़कर अपनी सेटल लाइफ छोड़ के कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आया है तो ये लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर करेगा, क्योंकि हम अपने आप से रिलेट करते हैं। हमने जीवन में 10 साल पढ़ाया है दूसरी कोचिंग्स में और कॉलेजेस के अंदर, और अचानक एक झटके में 24 आवर्स का रिजाइन देकर और अकाउंट की शुरुआत की है, और हमने देखा है कि एक 4 बच्चों से लेकर 5,500 बच्चों तक पढ़ाने की एक जर्नी हमने की है। तो हमें पता है कि अगर कंफर्ट जोन छोड़कर अपने ड्रीम के पीछे लग जाओ ना तो वो मिलते ही मिलते हैं, वो कहीं जाने नहीं, क्योंकि परीक्षा वो ले रहा है ना, परीक्षा वो ले रहा है, उसके क्राइटेरिया कॉपी पेन वाले नहीं होते, वो ये देख रहा है कि इसने अपनी कंफर्ट लाइफ छोड़ दी है पास, वो देख रहा है कि जो दुनिया कर रही है भीड़ कर रही है वो ये नहीं कर रहा पास, जो भीड़ कर रही है वो तो सभी कर रहे हैं बच्चों, प्राइवेट जॉब तो सभी बंदा कर रहे हैं, कोई भी GNN BSc नॉन अटेंडिंग भी करके आओगे, आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, प्राइवेट जॉब कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सोचना है कि 12-15 हजार के लिए मॉर्निंग इवनिंग नाइट करनी है जिंदगी भर या जीवन में कुछ अचीव करना है। आज इन लोगों को अपनी स्टोरी सुनाते हुए कितना गर्व महसूस हो रहा होगा आपको कि हम क्या थे और क्या बन गए, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ बनाया, इनमें एबिलिटी थी, बस हमने तो उस एबिलिटी को बाहर निकाला है, उसको निखारा है कि आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। तो जब ये लोग हम बिलो एवरेज में कह रहा हूँ, 8वीं में मेरे बैक थी फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना इस सब्जेक्ट को, तो
तो जब हम जैसे लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं बच्चों, तो आप सब पहुंच सकते हैं, और आप सब में वो कैलिबर है जिससे आप अपने सपनों को पार लगा सकते हो। और यहाँ इन लोगों को बुला के आपसे मिलाने का मतलब पता है क्या होता है? ये सेलिब्रिटी है हमारे लिए, समझ। अगर हम किसी दूसरे लोगों को बुला के, सपोज यहाँ पर शाहरुख खान आके आपको बोले हाँ खूब मेहनत करो और ये करो और आगे बढ़ना है, आपको मन ही मन समझ में आ जाएगा ना यार मैं शाहरुख खान तो नहीं बन सकता ना। मन मन आप ठीक है, थोड़ी देर के लिए चार्ज हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा ना मैं शाहरुख खान नहीं बन सकता, मैं सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। इनको सुन के हमें पता है कि क्योंकि ये वो सपना जी रहे हैं जो हमने देखा, हम उस सपने को देख रहे हैं जो ये जी रहे हैं, और कभी ये भी देखा करते थे लेकिन आज ये उस सपने को जी रहे। तो हमारे लिए असली सेलिब्रिटी यही लोग हैं जो हमारा सपना जी रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि उस सपने तक कैसे पहुंचा जा सकता। तो आई होप आप सबको इन दोनों की कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, आप मोटिवेट रहे होंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि अपॉन का हर स्टूडेंट अपने आने वाले बैचेज में है ना अपनी कहानी सुनाए। अभी आप स्ट्रगलिंग है, आपके अभी आप कुछ अच्छा भी बोलोगे ना तो कोई मानेगा नहीं। मैं जब कुछ नहीं था और मैं दुनिया को ज्ञान देता था ना, कोई मेरी ज्ञान को नहीं सुनता था सीधे, क्योंकि कुछ था ही नहीं। लेकिन आज मैं अगर गलत बात भी बोलूंगा ना, तो एक बार सामने वाला पूछेगा यार रोहित सर ने बोली सही हो। तो आप जब तक कुछ नहीं बनते ना, तब तक ये सारी बातें मन में रखो और सिर्फ फोकस लगाओ अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने ड्रीम के ऊपर। जिस दिन कुछ बन जाओगे ना, तब आना यहाँ पर और उन लोगों को मोटिवेट करना जो उस समय सपना देखते। चलिए बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।